इंडिया मतलब रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी मतलब जियो मी थोड़ा आगे चले गए, पीछे चलते हैं। शुरू यहाँ से करते हैं कि रिलायंस कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कैसे करता है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मतलब सबसे ज्यादा पैसा मतलब सबसे ज्यादा रिसोर्स शायद हो सकता है इस कंपनी के पास। नो डाउट रिलायंस जियो रिलायंस का बहुत ही डायनेमिक प्रोडक्ट रहा है। टेलीकॉम सेक्टर थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया। अपार्ट फ्रॉम रिलायंस जियो अगर हम बात करें जियो के एप्लीकेशन की तो यहाँ पे भरमार लगी पड़ी है ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे, लॉट ऑफ एप्लीकेशन। तो बेसिकली जो जियो का मैंने फंडा देखा है कि हाउ दे डेवलप एप्लीकेशन, वो कुछ ऐसा करते हैं, उनकी कुछ रेसिपी ऐसी होती है कि वो इधर से कुछ उठाते हैं इधर से कुछ उठाते हैं और अलग अलग एप्लीकेशन के कॉम्बिनेशन लेके एक कुछ नया सा बनाते हैं। मतलब एप्लीकेशन जब भी है वो कॉम्बिनेशन होते हैं बाकी अदर से एप्लीकेशन के, और ये कुछ बुरी बात नहीं है। और अगर आप किसी की लेगेसी को हायर कर रहे हो और उनके एप्लीकेशन के ऊपर कुछ फर्दर डेवलपमेंट कर रहे हो तो इससे अच्छी बात कुछ और है नहीं, बिकॉज आप उसको और रिफाइन कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिलायंस में या फिर जियो की, तो यहाँ पे रिफाइनमेंट में थोड़ी सी कमी आती रहती है। मतलब जो एप्लीकेशन होते हैं जियो के इतने परफेक्ट नहीं होते हैं, मतलब थोड़ी सा बगी होते हैं। फिलहाल यहाँ पे रिलायंस काफी टाइम से न्यूज हाइप में है, जब से फेसबुक और रिलायंस की डील हुई है। रिलायंस मार्ट लॉन्च हो गया व्हाट्सएप के थ्रू, जो कि अगेन व्हाट्सएप फेसबुक का प्रोडक्ट है, और उसके अराउंड 10-15 दिन बाद आज रिलायंस ने लॉन्च कर दिया है जियो मीट एप्लीकेशन। बेसिकली जियो मीट एप्लीकेशन जो है वो कॉम्बिनेशन है फेसबुक मैसेंजर का, गूगल मीट का, या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग का, या फिर जूम का, या फिर ऐसे हैंगआउट वगैरह जितने भी वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है उनका एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। चीज काफी अच्छी है बिकॉज इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया का ऑन ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो इतनी जल्दी हाइप में आया हो। अब मैंने फाइंड आउट किया कि जियो मीट कैसा है, मैंने डाउनलोड किया इस एप्लीकेशन को, लेकिन शायद कुछ बग आ गया रिलायंस की तरफ से, जो कि मैंने बोला था पहले ही कि शायद उनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा लैप रहता है हमेशा, बिकॉज वो रिफाइनमेंट मेरे को उनके एप्लीकेशन पर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे रिलायंस जियो मीट का जो एप्लीकेशन था जियो मीट वो लॉन्च हुआ, लेकिन न्यूज वगैरह आ गई हर जगह। फिर मैंने सर्च किया इसको प्ले स्टोर पर तो यहाँ नहीं मिला, ऐप स्टोर पर ढूंढा नहीं मिला, अदर सोर्स से एक्सटर्नल सोर्स से जियो मीट का एप्लीकेशन मिला। तो यहाँ पे मैंने जियो मीट का एप्लीकेशन खोलने की कोशिश करी, लेकिन फिर अगेन यहाँ पे कुछ बग वगैरह थे उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हो जियो मीट एप्लीकेशन का लोगो कुछ ऐसा दिखता है। एप्लीकेशन के बारे में फर्दर बताऊं तो एक फ्री HD वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म है, सेम लाइक व्हाट्सएप जहां पे आप वीडियो कॉल वगैरह करते हो, तो यहां पे भी वो कर सकते हो। अगर इनके पास जियो चैट ऑलरेडी था तो आई डोंट थिंक इस नए एप्लीकेशन की जरूरत है, बिकॉज जियो चैट के साथ वो इंटीग्रेट कर सकते थे, लेकिन मे बी एक अगेन अंडर द रूफ एक नया एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो कि हाँ भाई हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। फिलहाल जो एप्लीकेशन बोलता है वो बोलता है कि यहाँ पे आप फ्री वीडियो कॉल कर सकते हो अप टू 5 पीपल। अगर एंटरप्राइज है मतलब कॉर्पोरेट अकाउंट है तो यहाँ पे अप टू 25 पीपल तक आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो। हाई क्वालिटी वीडियो एंड वॉइस होगा यहाँ पे, कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर नेटवर्क। वैसे इन्होंने स्टार मार्क लगा दिया यहाँ पे कि भाई नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है। ग्रुप कॉल्स कर सकते हो, ग्रुप चैट कर सकते हो, और कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस हिस्ट्री वगैरह रहेगी यहाँ पे। आप मैसेज से किसी को इन्वाइट कर सकते हो, लिंक से इन्वाइट कर सकते हो आपके कॉन्फ्रेंस कॉल को ज्वाइन करने के लिए। तो फिलहाल ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। बात करूँ एप्लीकेशन की फर्स्ट फेज में तो मेरे को कुछ ऐसा अलग सा दिखा नहीं, बस ये दिखा कि हाँ इंडियन एप्लीकेशन है, इंडियन कंपनी ने डेवलप किया है, तो ये शायद एक अच्छी बात हो यूजर्स के लिए कि चलो अपना डेटा हैक भी हुआ तो इंडिया में ही रहेगा। वैसे हैक होगा तो कहीं से भी हो सकता है, नॉनसेंस था। बट ये था जियो मीट एप्लीकेशन जो रिलायंस ने रिसेंटली डेवलप किया है। अभी मेरे ख्याल से बीटा फेज में है तो ये वापस विदड्रॉ कर लिया, बिकॉज इनकी वेबसाइट पर भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। मे बी कमिंग टाइम में इसको लॉन्च करेंगे, लाइव जाए इस एप्लीकेशन के साथ। और जब से ये लॉकडाउन हुआ है, जब से कोरोना आया है, तब से वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा हाइप में आया है। और इसको देख के आप देखो कि काफी कंपनीज ने यहाँ पे खुद को मॉडिफाई किया है, चाहे वो हो गया फेसबुक, मतलब वो मैसेंजर रूम लेके आ गया इतनी जल्दी। यहाँ पे व्हाट्सएप जो था वो 4 से 8 लोगों पे आ गया कि 8 लोगों तक आप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हो वीडियो ऑडियो। तो हर कंपनी कोशिश कर रही है कि इस टाइम में ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे खींच पाए। वो जूम जो है काफी अच्छा नाम कमा लिया है उसने इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दोनों। एक और ट्राई किया है यहाँ पर रिलायंस जियो ने, बहती गंगा में हाथ धोते हैं भी और क्या होता है, लेट्स सी क्या काम करता है इनका एप्लीकेशन। फिलहाल एप्लीकेशन के बारे में इतनी ही नॉलेज थी, ये थी सारी बातें जियो मीट के बारे में। और जैसे लॉन्च होगी एप्लीकेशन मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसे काम करता है। बट तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज वैसे पता लगेगा कि वीडियो आई है और जियो मीट का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया है। इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं खत्म। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर लेना, लाइक कर लेना, सब आपकी मर्जी है। आप हो तो हम है। बाय।